उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक सोशल मीडिया से संबंधित अपराध जगत की खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, एक शोधे ने लड़कियों के मोबाइल नंबर अश्लील ग्रुप में ऐड किए, जिसके बाद पिता ने हरकत में आकर तहरीर दर्ज करवाई। उसके बाद गौतमपल्ली थाने की पुलिस ने शोधे को दर दबोचा। आइए डालते हैं अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर। सोशल मीडिया व्हाट्सएप डर्टी ग्रुप में ऐड करता था लड़कियों के नंबर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये मामला है राजधानी लखनऊ में। पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने बुधवार शाम एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर पर आरोप था कि उसने लड़कियों के व्हाट्सएप ग्रुप को हैक कर उसमें शामिल सभी लड़कियों के नंबर को सोशल मीडिया के अश्लील ग्रुप से जोड़ दिया था, जिसके बाद पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में साइबर क्राइम से जुड़ा एक शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर युवक पर एक इंटर कॉलेज की छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप को हैक कर उसमें शामिल सभी लड़कियों के नंबर सोशल मीडिया के अश्लील ग्रुप में डालने का आरोप है। एक पीड़ित छात्रा की पिता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं विस्तार से, गौतमपल्ली थाने के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आलोक कुमार राय ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए साइबर अपराधी का नाम सौरभ सिंह है। एक पीड़ित छात्रा के पिता की तरफ से दी गई तहरीर के अनुसार सौरभ पर आरोप था कि करीब 15 दिन पहले सौरभ ने क्षेत्र स्थित एक इंटर कॉलेज की छात्राओं का व्हाट्सएप ग्रुप हैक किया था। उस ग्रुप में करीब 18 से 19 लड़कियों के नंबर थे। उन सभी नंबरों को आरोपी सौरभ ने सोशल मीडिया के किसी अश्लील ग्रुप में डाल दिया। सभी लड़कियों को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज आने पर छात्रा ने जब सौरभ को फोन करते हुए अपना विरोध जताया, सौरभ ने धमकाना शुरू कर दिया। थाने में दी गई तहरीर में पीड़िता के पिता ने पुलिस की गिरफ्त में आए सौरभ सिंह पर यह भी आरोप लगाया कि स्कूल खुलने के बाद वह छुट्टी के समय विद्यालय के गेट पर आकर खड़ा होता था और छात्राओं का पीछा करते हुए छींटा कसी करता था। मुकदमा दर्ज होने के बाद साइबर और सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसके बाद लोकेशन के आधार पर उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो, ये टोटल स्टोरी।